हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ क्लास 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। आज का सबसे पहला सवाल है, एक टीवी को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक का लाभ प्राप्त होता, तो इसका लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। देखिए, जब भी अधिक और कम पूछे तो दोनों के बीच के डिफरेंस बताता है, ठीक है, यानी दोनों के बीच का अंतर बताता है, यानी कि 10% माइनस 5% किसके बराबर है, 1000 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर है, 1000 के बराबर, यानी कि 5% किसके बराबर हो जाएगा, 1000, तो 1% किसके बराबर होगा, 5 × 10 यानी कि 200 के बराबर, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 20000 के बराबर हो जाएगा, कितना हज़ार के बराबर हो जाएगा, 20000, ठीक है, यानी मेरा लागत मूल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर सवाल, मोहन सोहन से 20% कम कुशल है, यदि सोहन एक कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार को पूरा करने में मोहन को कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। देखिए, एक है मोहन और एक है सोहन, ठीक है। क्या बोला, मोहन सोहन से 20% कम कुशल है। अगर सोहन 100 है तो सोहन से 20% कम है, यानी कि 80% है, कितना है, 80 है, तो काटिएगा क्या, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, ये जो निकला मेरा, ये इफिशंसी निकला, क्या निकला, इफिशंसी, ठीक है। और आपको पता होगा इफिशंसी टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, समय, तो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5:4, अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है, एक कार को सोहन एक कार को 24 दिन में कर सकता है, ये जो सोहन है यानी इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है, ये 24 दिन में कर सकता है, तो इसका एक दिन में कितना करेगा, छोचक 24, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पूरा करने में मोहन को कितने दिन का समय लगेगा, मोहन का कितना टाइम है, 5, तो 5 से जब इसे मल्टीप्लाई किया, 30 दिन में समाप्त कर देगा, कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। अगला है तीसरा नंबर सवाल है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट प्रदान करता है, यदि वह 6% की छूट प्रदान करता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए, कम और अधिक दोनों के बीच के डिफरेंस बताता है, ठीक है। क्या बताता है डिफरेंस, देखिए, माना कि घड़ी का मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, कितना, 100 रुपया, तो क्या बोल रहा है, 5% की छूट प्रदान करता है, एक्स पर 5% की छूट कीजिएगा तो 95/100 कितना आएगा, ठीक है। कम दोनों के बीच के डिफरेंस का अंतर, यानी कि डिफरेंस बताता है, ठीक है। एक्स का अभी कितना है, छूट दे रहा है 6%, यानी कि 94/100, ठीक है, कितना है, 15 रुपया है, ठीक है, 15 रुपया, क्या हो जाएगा, 95x/100 माइनस 94x/100, ठीक है, बराबर 15, ये देखो 100 है, ये भी 100, या 94 में से 94 गया है तो x/100 यानी कि 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1500, ये मेरा x का निकल गया, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य निकल गया, ठीक है, जिसको हम मार्क प्राइस माने थे वो मेरा x निकल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है फोर नंबर सवाल बोल रहा है, C+1/C√3 है तो CQ+1/CQ का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए, Q निकालना है तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो C+1/C³√3 का Q, ठीक है, एक A+B का होल क्यू, तो A³+BQ+3AB × A+B यानी कि C+1/C बराबर क्या हो जाएगा, 3√3, यानी कि √3 को 3 बार गुना कीजिएगा, √3 × √3 × √3, तो √3 से √3 3, और ये √3 बचा तो 3√3, ठीक है, यानी √3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3√3, तो 3√3 दे दिया यहाँ पे। अब देखिए, C³+1/CQ+, देखिए यहाँ से सी कैंसिल, C+1/C का मान कितना है, C+1/C का मान √3 दिया हुआ है, तो ये √3 से 3√3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3√3, चूँकि इसके जगह आप √3 दीजिएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 3 था, तो क्या हो जाएगा, 3√3 बराबर 3√3, यानी कि CQ
प्लस वन बाई सी क्यू बराबर, ये 3√3 है और ये प्लस में 3√3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -3√3। ठीक है, अब देखिए सी क्यू प्लस 1/CQ बराबर 0, ये दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर। अगला फाइव नंबर सवाल है 1/P प्लस 1/Q बराबर 1/P प्लस Q, तो पी क्यू माइनस, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको आप प्लस नहीं लीजिएगा, ये माइनस है। क्यू का होल क्यू का मान क्या होगा, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जब एलसीएम लीजिएगा दोनों का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी प्लस क्यू कर सकते हैं ऊपर, ठीक है, 1/PQ बराबर 1/P प्लस क्यू, आप तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी क्यू, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, बराबर पी क्यू। अब यहाँ पर 2PQ है, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू, पी क्यू बराबर पी क्यू। ठीक है, अब एक पी क्यू को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर, जब एक प्लस प्लस पी क्यू को उधर भेजिएगा तो माइनस पी क्यू, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, आपको एक फार्मूला पता होगा, एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, a क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम p माइनस क्यू से गुना कर देते हैं, ठीक है, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे कर सकते हैं पी पी क्यू माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी इसी का तो मान हमको निकालना था, ठीक है, यानी ये माइनस में है तो इसका माइनस कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर। अगला है 6 नंबर, √12 + √12 + √12 + ……∞ तक है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल रहा है ना तो सिंपल सा, कुछ सोचना नहीं है, ये 12 को ऐसे दो भाग में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो, जैसे कि 3 और 4 में तोड़ देते हैं, 3 × 12 डिफरेंस कितना है, हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि अंतर कितना आना चाहिए, अंतर दोनों के बीच 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, टोटल प्लस है, जब प्लस वाला रहेगा तो बड़ी संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया, अगर यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है, तो ये मेरा आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए आंसर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर सवाल। अगला है 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल है 9x² + 16y² = 60 और 3x + 4y = 6 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका मान निकालना है एक्स वाई का। ठीक है, इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी कि 3x + 4y² = 6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 9x² + 16y² + 3 × 3x × 4y = 36 हो जाएगा, 6² = 36। ठीक है, अब देखिए 9x² + 16y² का मान कितना दिया हुआ है, 60, तो इसके जगह हम 60 लिख सकते हैं, इसके जगह 60 लिख दिए, प्लस 3 × 9 9 × 36 36xy = 36। ठीक है, तो 36xy को बराबर को पड़ी भेज दीजिए। ठीक है, तो और इधर 36 को ये बराबर की पड़ी ले जाइए, तो −36 + 60 = −36xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 36 में से 60 जाएगा तो 24 − 36xy एक जगह मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9x² + 16y² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 2 = 24,
यहाँ पे 24xy होगा, ठीक है, 24xy 36, ठीक है। जब इसको लाइएगा इधर और इधर जाएगा तो 24xy, 24xy यहाँ पे 24, यहाँ पे 24xy माइनस में, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक, ठीक है, कितना आ जाएगा, वन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। अगला एट नंबर सवाल है, 7 sin² θ प्लस 3 cos² θ बराबर 4, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है आपको पता होगा, sin² θ प्लस cos² θ बराबर 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम sin² θ निकालेंगे, sin² θ बराबर 1 माइनस cos² θ, ठीक है। तो देखिए 7 sin² θ की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² θ प्लस 3 cos² θ बराबर 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 7 माइनस 7 cos² θ प्लस 3 cos² θ बराबर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस, जब 7 cos² θ में प्लस 3 cos² θ जाएगा तो क्या बचेगा, 4 cos² θ बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 7 है, 4 को बराबर के इधर साइड लाइए तो माइनस 4 हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो 4 प्लस 4 cos² θ क्या हो जाएगा, 3 4 cos² θ, तो cos² θ बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, क्या हो जाएगा, 3/4। अब स्क्वायर को बराबर के ऊपर ही डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos θ बराबर √3/4, तो क्या हो जाएगा, √3/2, चूँकि 4 निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा बाहर, ठीक है। तो cos θ का मान कितना आ गया, √3/2। अब हमको ये बताइए, cos θ बराबर लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री मान √3/2 होता है ना, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे निकालना था tan थीटा का मान, ठीक है, तो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नाइन नंबर सवाल है, यदि 50 संतरों का क्रय मूल 40 संतरों के विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल होना चाहिए, विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। देखिए क्रय मूल यानी कि CP यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल यानी कि SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी 50 संतरों का कॉस्ट प्राइस 40 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, बराबर है तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो CP इसको बटा में लाइए तो SP क्या हो जाएगा, 4/5, यानी कि हम खरीदते हैं किसी वस्तु को, उसका यानी कि लागत मूल 4 रुपया है और उसको हम बेच रहे हैं 5 रुपया, यानी उसका दाम 4 रुपया, बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपया, ठीक है, किस पे होगा, तो हमेशा CP पे होता है 4, हमको परसेंट निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 25%, आंसर कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है, ये क्या निकल गया, लाभ परसेंट, ठीक है, 25%। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल, अगला है 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है, पी बराबर 99, तो पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p+3 का मान क्या होगा, ठीक है, यानी इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए सबसे पहले पी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा, PQ+3P² + 3P, क्या हो जाएगा, 3P, इसको हम यहाँ पे PQ+3P कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, P+1, क्या बचेगा, P+1। अगर हम इसमें +1 जोड़ के -1 घटा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी कि +1 जोड़ कर, ठीक है, क्या किए हैं, +1 जोड़ कर और -1 घटा दिए तो दोनों कट जाएगा तो उतना ही माना जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अब कर सकते हैं P+1 का होल क्यूब, कहिए कैसे, इसको जब तोड़िएगा, a+b का होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यू, यानी कि इसका क्यू कीजिएगा तो कुछ होगा फर्क नहीं, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन बचेगा सिर्फ, इनको ऐसे तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पी बराबर कितना दिया हुआ, निन्यानवे, तो पी का वैल्यू यहाँ पे निन्यानवे पुट कर दीजिए, निन्यानवे प्लस वन का होल क्यू माइनस वन, तो निन्यानवे एक सौ, तो सौ का क्यू कीजिएगा तो थ्री, तो यानी क्या जीरो, छः जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः माइनस वन, तो कितना आ जाएगा जब घटाइएगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।